Okay, so I have asked a question about the mass of the photon uh, some days ago. So we take the mass of the photon as zero, but there are some questions ke, if the mass of the photon is zero, then how can it have momentum? Because I know, or you all know, that the momentum is a property of the body and defined when it has mass. Okay, so Before coming to all conclusion, there have been some answers that the rest mass of the photon is zero. And according to this answer, there is certain kinetic mass of the photon exist. Rest mass अगर जीरो है तो काइनेटिक मास एक्जिस्ट करता है ऐसा कुछ स्टूडेंट्स ने बताया। तो इसी को पहले क्लियर कर लेते हैं व्हाट इज रेस्ट मास रेस्ट मास डज नॉट मीन कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट्स मास विल बी जीरो नो इट डज नॉट मीन वी आर ऑन द रेस्ट एवरी इज ऑन द रेस्ट सो क्या हर पार्टिकल का मास जीरो है नहीं इफ अ पार्टिकल इफ अ पार्टिकल हैज मास जीरो। इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस मतलब कि कौन ऑब्जर्वर किस कहां पर चल रहा है किस वेलोसिटी से चल रहा है इससे अगर मतलब नहीं है तब उस पार्टिकल का रेस्ट मास क्या कहलाएगा जीरो सो so, ध्यान रखना इस चीज का रेस्ट मास का मतलब ये नहीं है कि एक पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो ज़ीरो नहीं पार्टिकल का रेस्ट मास तब ज़ीरो कहलाएगा जब ऑब्जर्वर चाहे रेस्ट पर हो चाहे ऑब्जर्वर मूविंग फ्रेम पर हो तो अगर तब उसका हर कंडीशन में अगर मास उसका ज़ीरो है तब उसका रेस्ट मास जीरो कहलाएगा हम लोगों का रेस्ट मास ज़ीरो क्यों नहीं कहलाता बिकॉज अगर हम चलते हैं तो हम चलें चाहे रुकें कोई ऑब्जर्व करता है तो हमारा मास कंसीडर होता है ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट मास इज के इफ द मास इज जीरो इन ऑल द फ्रेम रेफरेंसेस देन द रेस्ट मास विल बी जीरो नाउ कमिंग टू द इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ द फोटोन सो इट इज स्टार्ट विद द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ई कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अंडरवुड ओके वेर एम नॉट इज द रेस्ट मस्ट सी इज द लाइट स्पीड एंड वी इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल तो हर एक चीज़ तो यहाँ पर अच्छी है बैलेंस्ड है बट प्रॉब्लम क्रिएट तब होती है इफ़ v इज इक्वल टू सी अगर हम v इज इक्वल टू सी लेने लगे तो क्या होगा इन दैट सिचुएशन ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन ज़ीरो दैट मीन्स इट गोज़ टू इन्फिनिटी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से चल रहा है तो उसकी एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी इनफाइनइट बट ऐसा तो नहीं होता लाइट की भी जो एनर्जी होती है वो फ़ाइनइट होती है लाइट की एनर्जी फाइनाइट होती है लाइट इन्फाइनइट एनर्जी का सोर्स नहीं है फ़ाइनाइट एनर्जी है लाइट की एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर है स्टीफेंस लॉ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत सारे लॉज हैं जिनसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ पर है कहने का मतलब है कि वी इज़ इक्वल टू अगर सी ले लिया तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है इनफाइनाइट हो रहा है तो कुछ भी स्पेशल नहीं है यहाँ पर जस्ट एक इम्प्रोवाइजेशन है मैथेमेटिकल एल्जेब्रा का हमने क्या किया कि ये जो टर्म है इसको इधर लिख लिया वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर को हमने चेंज कर लिया अब हम अगर इफ v इज इक्वल टू सी लेते हैं तो e इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर कहने का मतलब ये है कि आपको एक इक्वेशन दे दी गई ठीक है यहाँ पर e इंटू जीरो इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर ठीक है अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप सोचो मैं आपसे कह दूँ कि हंड्रेड इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू क्या होगा हम इधर कुछ भी लिख दें ज़ीरो इंटू टू लिख दिया हमने इक्वेशन तो सेटिस्फाइड है हमें पता है कि लाइट कभी स्पीड ज़ीरो नहीं हो सकती और हमने ये वाला टर्म ज़ीरो कर दिया और एनर्जी हमें फाइनाइट रखनी है हमने क्या कहा एनर्जी इनफाइनाइट नहीं होती एनर्जी हमें फाइनाइट रखनी है मतलब एनर्जी हम वन गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ भी रखें उससे कोई फ़र्क नहीं है अगर v इज इक्वल टू सी है तो ये टर्म ज़ीरो होगा इसे हमें फाइनाइट रखना है लाइट की स्पीड को हम जीरो नहीं कर सकते तो हमें क्या जीरो करना पड़ेगा हमें मास को जीरो करना पड़ेगा हमें मास को नेसेसरली जीरो करना पड़ेगा अब ये कंडीशन सिर्फ कब है जब v इक्वल सी अगर पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है तो ये टर्म हमारा ज़ीरो हो रहा है एनर्जी हमें फ़ाइनाइट करनी पड़ेगी और एनर्जी फाइनाइट करनी है अगर हमें तो सी को ज़ीरो कर नहीं सकते हम एम नॉट को ही ज़ीरो कर सकते हैं इसीलिए फोटोन का जो मास है वो ज़ीरो लिया जाता है बहुत इंटरेस्टिंग बात है जस्ट मैथमेटिकल इम्प्रोवाइजेशन है अब इसके बाद दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर फोटोन का मास ज़ीरो है तो हाउ कुड इट हैव मोमेंटम इसके बाद मोमेंटम कैसे है तो फिर इस सबको सही करने के लिए एक इक्वेशन बनाई गई ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस सॉरी एम स्क्वायर सी की पावर फोर ठीक है ये एक इक्वेशन बनाई गई ये यूनिवर्सल इक्वेशन है ये हर एक फैक्ट को वैलिड कराती है तो यहाँ से अगर हम मास ज़ीरो ले ले रहे हैं इफ द मास इज ज़ीरो तो E square is equal to P square C square, सो so E विल बी P C. फिर भी अभी दिमाग में एक क्वेश्चन है कि यार अगर मास जीरो तो मोमेंटम कैसे आ रहा है तो मोमेंटम की डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ी है वो थोड़ी सी हमें सही करनी पड़ेगी एक्चुअली मोमेंटम क्या होता है मोमेंटम हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि मास वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है लेकिन इन जनरल जो मोमेंटम होता है वो कोलिजन इंपैक्ट होता है कोलिजन का इम्पैक्ट क्या विदाउट मास मोमेंटम पॉसिबल है मैं बता रहा हूं पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है एक यहां पर एक बॉय खड़ा है और एक यहां बॉय खड़ा हुआ है ये दोनों रस्सी पकड़े हुए हैं ठीक है थीके? इन्होंने क्या किया इस लड़के ने खुराफात करी और रस्सी को खूब तेज से ऐसे वेव बना दिया तो इस लड़के को जर्क फील होगा बिल्कुल होगा जर्क मतलब मोमेंटम फील हुआ बट क्या मास का कोई ट्रांसफर या कुछ मास का कोई रिलेशन हुआ क्या क्या वेव के पास कोई मास होता है क्या वेव में तो नो मास वेव के पास कोई मास नहीं होता इवन मोमेंटम फील हुआ उसको कहने का मतलब ये है कि मोमेंटम के लिए मास का होना ज़रूरी नहीं है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी मास ऑलवेज बी देर टू कैलकुलेट द मोमेंटम मोमेंटम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट मास भी वेव हैं अगर तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उस मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एच अपॉन लेमडा यहाँ हमें मास की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास वेवलेंथ है वी कैन कैलकुलेट द मोमेंटम एच इज द्लाइंग कॉन्स्टेंट अब यही एच अपॉन लिमडा यहाँ पर रख दिया जाता है तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला बन जाता है ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लिमडा दिस इज ऑल द एक्सप्लेनेशन फॉर द फोटोन जीरो हुआ ये इक्वेशन का इम्प्रोवाइजेशन अब अगर मास जीरो है तो उसका मोमेंटम कैसे हुआ हमेशा ध्यान रखना फॉर द जनरेशन ऑफ़ द मोमेंटम इट इज़ नॉट नेसेसरी टू पार्टिकल टू हैव मास विदाउट मास मोमेंटम कैन ऑल्सो बी जनरेटेड वाटर वेव चलती है वाटर वेव क्या मास लेकर के चलती है नहीं बिल्कुल नहीं मास लेकर के नहीं चलती है. मास तो अपनी जगह पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन इवन देन जब वो टकराती है जाकर के कहीं एंड पर तो वहाँ पर इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो वेव इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है ना कि वाटर का मास सो विदाउट मास मोमेंटम इज पॉसिबल